तो क्या हाल है गाइस। थोड़े दिन से वीडियो आया नहीं क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब है। तो कोई बात नहीं, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई वॉन द क्लैश क्लैश क्लैश, जैसे भी आप बोल सकते हैं कि QLASH क्लैश आई गेस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा बैटल्स कैसे हुए। तो क्लैश एक स्पेन का मे बी मतलब एक ऐप है जो बहुत टाइम से पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रैकेट्स होस्ट कर रहे थे कुछ प्राइज़ रख के, एंड बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें जो आपको ट्विटर में उन लोग को फॉलो कर सकते हो। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उनका ट्विटर अकाउंट का लिंक होगा। एंड आप इस टूर्नामेंट को अगर इंडिया से हो तो आप ज़रूर ये टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। तो मेरा फर्स्ट बैटल शुभम के साथ था एंड ये बेस्ट ऑफ थ्री था। एज यू कैन सी आई प्लेड पेका रैम रेडर, बेस्ट ऑफ थ्री था तो मेरे को बस दो मैच जीतने थे। मैं सोचा कि बेस्ट ऑफ फाइव है तो मैं फालतू को टाइम वेस्ट करते हुए तीन तीन बैटल के खेला, और पेन के सामने हम पहला मैच हारे। और मैं फिर से, ये भी बेस्ट ऑफ थ्री था तो क्या फिर से मैं तीन मैचेस पेन से मतलब मतलब मैं फालतू में खेला। तो वेट, लेट मी टर्न ऑन दी SFX आई गेस। वेट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके चलो, तो चलो आई गेस ये मैच पॉइंट था। तो इधर मैं ऐसे ही, मेरे पास जो डेक्स थे मैं उसी से कॉन्फिडेंट होके खेल रहा था। बस आपको बस यही खेल, आप अगर क्लैश ऐप डाउनलोड करके, आज 7 को ब्रैकेट है, वही सेम 1300 फर्स्ट एंड 750 सेकेंड। एंड इस मैच के बारे में बात किया तो ग्रेवियर्ड वर्सेस प्रिंस बेट, तो मेरे पास बहुत ही अच्छा मैचअप है क्योंकि आई हैव द गार्ड्स एंड सो मेनी पॉइजन बेट कार्ड्स जो इतना जल्दी नहीं मरते, तो मेरा प्रिंस बहुत वैल्यू देगा। एंड इसके पास टूमस्टोन भी नहीं है तो मैं इधर ज़रूर लॉक मारूंगा क्योंकि आइस विज़ार्ड मरेगा एंड प्रिंस निकालेगा। मैं बहुत ही पीछे मतलब थोड़ा लो थ्रो किया गॉब्लिन बैरल को ताकि किंग टावर एक्टिवेट ना हो। बस तो ही इज़ गोइंग वॉल्कर इन द बैक, मे बी ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ पुश, बट सिंगल एलिक्सर में इतना इज नहीं तो सो ही विल जस्ट यूज़ द पॉइजन आई गेस। नो, ही इज़ ही प्लेड बेबी ड्रैगन, तो आई थिंक आई विल ट्राई टू यस। तो इधर मैं आई थिंक आई विल ऑल्सो प्ले माई रैस्कल सैंड, उसको बहुत ही अच्छा पॉइजन वैल्यू मिला। कोई बात नहीं, प्रेशर मतलब थोड़ा ऐसे, एंड उसको आइस विज़ार्ड भी डालना पड़ा। सो वी आर अप ऑन 1 एलिक्योर आई गेस और 0.5। तो मैं बस वही बार बैरल आउट करने का सोच रहा हूँ एंड वो डैमेज पे भी लीड है तो डबल एलिक्सर किक इन होने वाला है अभी। हमारा प्रिंसेस टावर पे लॉक हुआ नहीं तभी इसके पॉइजन आउट से निकलता है, गेस ही लॉस द टर्न ऑर्डर। हमारा प्रिंस वॉल करे पे एक मतलब चार्ज होके एक मारेगा एंड एक गॉब्लिन उसने मिस की पेन ने, तो थोड़ा गॉब्लिन स्टैप किया एंड आई गेस मैं बीच में डार्ट गॉब्लिन प्ले करूँगा। एंड गाइस देखो, दोनों साइड से रैस्कल गर्ल्स और डार्ट गॉब्लिन ने पूरा निकाल दी एंड लेफ्ट में उसको ग्रेवयार्ड यूज़ करना पड़ा, कितना बुरी चीज़ है ओपोनेंट के लिए। एंड मैं इधर लॉक भी किया ताकि मेरा प्रिंस टावर पे चला जाए, बट नो, कितने ग्रेवयार्ड आई मीन स्केलेटन स्पॉन हो रहा है मेरे को ही पता नहीं। मैं सोचा कि अभी ख़त्म होंगे बट वो फिर से उठ के आ रहे हैं, तो ये देखो, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था क्योंकि
उसका जो गॉब्लिन ब्रॉलर है वो ऑपोजिट लेन जा रहा है मेरा प्रिंस के सामने यार, एंड इसके लिए वो ग्रेवयार्ड को डिफेंसिव यूज़ करना पड़ रहा है। एंड फिर से मैं आई एम बैक टू माय प्रिंस एंड वो बहुत एलिगर लो है और मेरा कार्ड्स भी स्टैक हो रहे हैं। एंड दिस टाइम आई एम प्रिटी श्योर आई कैन टेक आउट हिज ग्रेवयार्ड एंड He'll definitely get the king tower activation, but मेरा प्रिंस टावर पे गया एंड मैं सेफ खेल रहा हूँ। तो गुड गेम। तो हमने सेकेंड राउंड जीता। टोटली 7 राउंड्स होता है। तो कौन सा वाला प्ले किया, आई गेस ये वाला प्ले करते हैं। तो बस मेरे पास जो डेक्स थे मैं वही खेल रहा था। कुछ ओपोनेंट को पूरा एनालिसिस मतलब जो भी उठाए नहीं कर रहे थे, बट सीधा जो मेरे डेक स्लॉट्स में जो 10 डेक्स थे उसमें से मैं मैनेज करके खेल रहा था। तो इधर मेरे पास रैम रेड है, तो इधर मैं मेरा आर्चर क्वीन प्ले करूँगा मिडिल में। तो ऑलमोस्ट सेम डैमेज लेफ्ट और राइट में हो चुका है, बट राइट में थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो इधर मैं पीछे से पिक करा लूँगा एंड आई ऑल्सो यूज द एबिलिटी ऑफ द आर्चर क्वीन। मे बी मेरे को 1 सेकेंड लेट यूज़ करना था एंड उसका गोल्डन लाइट मर जाता। एंड आर्चर क्वीन ने एक शॉट गॉब्लिन केज पे भी मार दी, तो इसलिए गॉब्लिन थोड़ा जल्दी पॉप आउट हो गया। बट अभी जो इसका पुश आ रहा है गाइस, आई थिंक आई लॉ मैं मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे पास एलिक्सर ही नहीं है तो डिफेंड करने के लिए। आई गेस टावर डाउन। यस, तो मैं बस उसका कार्ड्स फोर्स आउट कर रहा हूँ क्योंकि आई थॉट कि मैं फर्स्ट गेम हार गया। वही चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका डिफेंस है जो गॉब्लिन केज और इसकी जैप इस बहुत ही दिक्कत है क्योंकि पॉइजन या फायर बॉल होती तो अगर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव द लाइटनिंग इट्स नॉट दैट इजी टू हिट। तो इसलिए मैं लेफ्ट में फिर से पुश मिल करने का सोच रहा हूँ। तो ओपोनेंट आई थिंक थोड़ा मिस्टेक कर दी क्योंकि वो इजीली डिफेंड कर सकता था, बट ही एक्चुअली वेंट फॉर माई राइट टावर। तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट पुश। एंड इधर मेरा आर्चर क्वीन एबिलिटी से पूरा निकालते हुए एंड वो मेरा पुश को फीड कर रहा है। एंड वैसे ही मैं एक शॉट मिला तो मेरे को बस एक लाइटनिंग चाहिए। एंड उधर आर्चर क्वीन का एबिलिटी लेफ्ट टावर लेते हुए एंड मैं ऑलरेडी राइट टावर पे फोकस हो चुका था क्योंकि आई वाज श्योर कि मेरे को लेफ्ट टावर वैसे भी मिल रहा है। तो मैं इधर पैकेट डालूँ क्योंकि अगर वो इनकेस उसके हाथ में रॉयल हॉक्स थे, अगर मैं पीछे से पैकेट डालता तो ही वुड हैव गॉन फॉर दी रॉयल हॉक्स पुश। तो ज़रूर 500 to 6। ओह, इधर थोड़ा जल्दी कर ली क्योंकि माई रैम रेडर इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ द पैकेट। तो देखो इधर मेरा लाइटनिंग सच में कुछ काम ही नहीं आएगा। तो ग्रेट आर्चर क्वीन प्लेसमेंट इफ यू आस्क मी। आई थिंक ही विल प्ले हिज ज़्यादा ओवर डिफेंड करने का अच्छा मतलब नहीं करना था मेरे को, मैं वो किया भी नहीं। एंड इधर मेरा ट्रूप सब जा रहा है, कुछ थोड़ा हो रहा है। तो इधर मैं उसका आर्चर क्वीन कैबिलिटी यूज़ करूँगा एंड
इसने एरो से और फायर बॉल मार दी मेरा आर्चर क्वीन से डर के। तो मैं फिर से मतलब मेरे को थोड़ा ट्रिपल एलेक्जर में मेरे को थोड़ा एडवांटेज होगा कि मेरे को लाइटनिंग करने का सब कुछ मौका मिलेगा। तो वो सही नहीं था। बट ये देखो गाइस मेरा रैम रेडर 0 HP रैम रेडर टावर पे कनेक्ट हो गया एंड आर्ट से क्विन पता नहीं कैसे कनेक्ट हुआ। तो एक सेकेंड तो हाँ उसके बाद मैं आपको चलो इसको भी हम मेरे को तभी पता चला कि हम सिर्फ फाइनल्स बेस्ट ऑफ फाइव है। तो बेस्ट ऑफ फाइव मीन्स यू हैव टू डिफीट योर ओपोनेंट 3 times एंड मैं जो खेल रहा था वो सब बेस्ट ऑफ 3 थे। तो इसको ब्लू स्टील के सामने प्ले करते हैं एंड जो थोड़ा हार्ड मैच है उसको दिखाता हूँ मैं बस, नहीं तो वीडियो बहुत। एंड गाइस इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टूर्नामेंट को आपको कैसे मतलब मैं पहले ही इंस्टाग्राम पे अपडेट स्टोरी डाला था कि क्लैश इज होस्टिंग सम टूर्नामेंट फॉर इंडियंस। तो आई एम सॉरी मतलब मैं यूट्यूब में नहीं डाला तो ओपोनेंट थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेसिव खेल रहा है इधर। एंड इफ यू लुक एट द मैचअप डेफिनेटली ही हैज़ द स्लाइट मैचअप आई गेस बिकॉज ऑफ दैट गोल्डन नाइट ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड एंड ओपोनेंट बहुत ही लो है एलेक्जर पे तो मैं वो नोटिस कर रहा हूँ। तो जैपी पप्पी देखे चला गया। तो उसने एक गॉब्लिन बैरल मिस किया तो ऑलमोस्ट कॉस्ट हिम 200 डैमेज आई गेस। तो अगर मैं होता तो डेफिनेटली गोल्डन नाइट प्रिंसेस जो लेन में आ रहा है उसकी लेन में खेलता था। तो इधर मैं ट्रेजर बिल्ड करने ट्राई कर रहा हूँ एंड उसका रॉयल रिक्रूट्स का भी प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं था क्योंकि अभी उसको प्रिंस को भी रेस्पॉन्स करना पड़ेगा एंड उसके पास एलिजर ही नहीं है। एंड इधर मैं थिंक आई जस्ट यूज लॉग एंड डॉट गॉब्लिन देखू गाइस एंड टावर पे भी लॉक होगा गाइस एंड 2 hits दैट्स अ लॉट। एंड उसका गोल्डन नाइट को मैं सोचा कि किंग टावर एक्टिवेट कर सकते बट थोड़ा आगे हो गया मे बी थोड़ा जल्दी हो गया मेरा कि प्रिंस का प्लेसमेंट। तो फिर से थोड़ा चिप डैमेज एंड इधर मेरा डार्ट गॉब्लिंस बहुत सही काम करते हुए। मेरा रास्कल गर्ल्स एंड गार्ड्स उसका रॉयल हाउस को कम्प्लीटली टेक आउट किए एंड उसका गोल्डन नाइट का डैश भी नहीं मिला। तो इस बार उसने सही से पकड़ा मेरा मेरा प्रिंसेस बचा है तो डेफिनेटली थोड़ा कुछ अच्छा बनने वाला है। थिंक ही विल यूज द एबिलिटी ओके आई डोंट नो व्हाई आई ट्राई टू सेव माय प्रिंसेस। तो दिस इज इजी डिफेंस फॉर मी बिकॉज प्रिंसेस और बट स्टिल ही गॉट सम चिप डैमेज। एंड आई सी सॉ माय बारबेरा तो अभी मैं रियलाइज़ किया कि अगर गोल्डन नाइट का कुछ जादू से अगर ये टावर पर पहुँचे तो मेरे को बहुत सेफ खेलना है। तो
तो मैं वही कि एंड इस टाइम मैं उसका बार बार उनको आउट साइकिल किया एंड थोड़ा चिप डैमेज जरूर मिल रहा है मेरे को। एंड ओ बाय, मुझे पता नहीं उसे गोल्डन एट का डैश क्यों नहीं मिला। फिर से उसने मेरा मैं बस स्पैम कर रहा हूँ उसका दिमाग खराब हो के उसने सीधा फायर बॉल ही कर दिया एंड ही ट्राई टू प्रेडिक्ट माय बारबेरियन बैरल। ओह दैट एबिलिटी, उसको सेव कर दिया। नहीं तो स्टिल 13 सेकंड बचे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लास्ट टाइम डिफेंड कर देंगे तो ओके दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो विथ माय रॉकेट एंड लेट्स द रॉयल हॉक्स टावर। आए तो भी टावर पे थोड़ा टाइम लगेगा तो बस टू ओ ब्लू स्टील के सामने भी एंड ओके तो हम नवजोत को भी हराया, उसको थोड़ा अनफॉर्चुनेट मैचअप्स मिले एंड उसके बाद एक्सकैलिबर फाइनल्स में मिला मेरे को। तो बेस्ट ऑफ फाइव था। चलो ये देखते हैं, मतलब ये थोड़ा हार्ड गई कि विद दैट बॉम्ब था और मेरा ड्रिल डैमेज देना इम्पॉसिबल था एंड मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ही माइट प्ले हॉग अर्थक्वेक विथ फायर क्रैकर बट ही एक्चुअली प्लेड इट विथ दी आर्चर क्वीन। तो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही हार्ड था। ओके उसने थोड़ा मे बी जल्दी देखो बॉम्ब टावर पूरा एंड दैट फास्ट स्टिल थोड़ा वो डिफेंड करके उसका लॉग यूज़ कर सकता है, मतलब सिर्फ ड्रिल ही मेरा मेन इंटेंशन है एंड मैं कितना भी स्पेंड कर लो हॉग दो या हिट मतलब मार के चला जाता है तो दैट्स रियली सैड। तो इधर भी आर्चर क्वीन 3 हिट्स एंड कुछ मिराकल ही होना चाहिए था बट वो हुआ नहीं। देखो अर्थक्वेक और हॉक राइडर के हिट्स बहुत दिमाग खराब होता है। अर्थक्वेक गेम फिनिश किया एंड उसके बाद ये भी बहुत ही क्लोज था आई गेस। तो मैं फिर से मेरा जो कंफर्ट डेक्स थे मैं वही यूज़ करने स्टार्ट किया, अगर हारा तो भी चले क्योंकि बेस्ट ऑफ फाइव है ही। ही वॉज अप बाय 1 गेम, अगर उसको जीतने तो 2 मैचेस मेरे को हराया तो वो तो बस नॉर्मल गेम चल रहा। तो आई थिंक आई विल यूज माई पैक्का राइट हियर। पता नहीं कि ये किसके मैचअप्स है। इधर मेरा आर्चर क्वीन ऑलमोस्ट ऑल रॉयल रिपोर्ट्स को क्लियर करते हुए एंड लकीली उसके पास एलिक्सर नहीं है एंड ही डिडंट सपोर्ट हिज पुश। अगर करता तो मैं बहुत ही दिक्कत में पड़ जाता सच में। एंड इधर मैं फिर से मेरा मतलब मेरा कार्ड प्लेसमेंट सही थे बट मेरे को पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों किया। मतलब मैं सोचा कि वो रॉयल गोस्ट को भी टारगेट कर सकता है गोल्डन नाइट जब वो इनविजिबल है तो मेरे को ओ बाय दैट वाज वेरी स्टूपिड डिसीजन बाय मी आई गेस एंड ही विल यूज द फायर बॉल राइट नाउ।
एंड आई थिंक आई विल गो विथ माई आर्ट्स एक्विनेट बिट्स बिकॉज आई नो दैट ही इज़ रियली लो ऑन एलिक्सर एंड लेट बार बैरल एंड जब वो मरती है तो अगर आप उसी टाइम पे एबिलिटी यूज़ किए तो दैट्स टावर डाउन एज यू जस्ट सॉ तो आर्ट्स क्वीन बाय जस्ट वन एलिक्सर देखो कितना तो बस मेरे को डिफेंड करना है एंड एंड मेरे को पता नहीं कि इधर क्यों नहीं मैजिक आर्ट से प्ले नहीं किया मतलब इजीली जो जो इंफर्नो ड्रैगन आ रहा है उधर प्लेस किया तो तो बस इधर रॉयल गोस्ट थोड़ा डैमेज डील कर एंड बाय वो इन्फेर्नो ड्रैगन इतना वैल्यू मिला मेरा दो पैक को बर्न आउट कर दे तो बस इधर डिफेंड करना है 12 सेकेंड्स एंड वो बैंडेड भी उधर चला गई एंड गाइस देखो गाइस ये आ रहा है तो डैश मार दे बट फायर बॉल गिरा बट 1 सेकेंड लेट तो मैं जीत गया तो क्या कर सकते हैं चलो उसके बाद ये वाला प्ले करते हैं तो ही इज प्लेइंग द माइनर पॉइजन विद द डबल स्पेल आई गेस मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू प्ले दैट प्रिंस स्पिरिट मे बी आई डोंट नो बट आई एम प्लेइंग ग्रेवियर्ड तो स्टिल उसके पास डिसेंट काउंटर्स है बट यू जस्ट हैव टू ब्रेक थ्रू दैट डिफेंस आई थिंक आई विल गो विथ माई ग्रेवियर्ड यस बिकॉज उसने उधर ग्रेवियर्ड आई मीन वॉल को रिप्लेस किया एंड उसके पास पॉइजन है तो मैं देख रहा हूँ कि डैमेज कैसे ले सकते हैं बट स्टिल मेरा ग्रेवियर्ड मतलब थोड़ा चिप किए 200 आई गेस डैमेज तो मैं कुछ डैमेज ले नहीं सकता तो मैं वही एबिलिटी यूज़ करने का नहीं सोचा अगर थोड़ा पहला यूज़ करते तो मे बी टावर पे चला जाता गोल्डन नाइट एंड इवन आफ्टर नोइंग दैट आई एंट विद द मेगा मैन इन द बैक ही यूज दिस माइनर मे बी दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन एंड मेरा मेगा मैन आगे जाने के बाद मैं उसको फोर्स आउट कर रहा हूँ कि मेरा मोर्टर भी डिफेंस करे एंड ग्रेवियर्ड एट द सेम टाइम देखो एंड इधर आई एम ट्राइंग टू यूज द एबिलिटी ऑफ माई गोल्डन एड बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो इलेक्ट्रो विज़ार्ड है वो फुल रीसेट मार रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिज माइनर यस देयर इज हिज माइनर बट तो आ गया है कोई बात नहीं आई थिंक ही विल प्ले यूज हिज पॉइजन आई थिंक मैं स्लोली जब उसका पॉइजन आउट है तो मैं मेरा ग्रेवयार्ड जा सकता हूँ बट उसके पास सही सा आंसर्स है मेरे ग्रेवियर्ड के लिए वॉल के लिए एंड रॉयल के लिए बट स्टिल थोड़ा डैमेज मिल रहा है मेरे को सो आई एम हैप्पी विथ दैट सो द स्कोर इज 1-1 गाइस तो उसका माइनर कुछ जा रहा है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसको सो आई एम जस्ट गोइंग विथ माई तो फिर से वही एंड बट इस टाइम मेरा मोटर टावर पे लॉक हो चुका तो मैं बस उसको प्रोटेक्ट करने देख रहा हूँ उसका इलेक्ट्रोजर का भी हो सकते हैं तो अभी थोड़ा चिल करूँगा क्योंकि मैं बहुत ही डैमेज मिल गया मेरे को तो मैं थोड़ा स्लोली खेलने ट्राई करूँगा क्योंकि उसको रश करना है मेरे को नहीं
एबिलिटी यूज़ कर दी तो उसका पॉइजन भी आ गया। तो मैं उसका इलेक्ट्रोजर्ड को निकालने ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक आई विल आल्सो यूज़ द स्नोबॉल टू पुश बैक दैट वॉल करे देखिए गाइस डैमेज देगा। इस टाइम आई प्रेडिक्टेड इज माइनर तो इज डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट दैट वॉल करे टू माई टावर बट उतना इज नहीं। आई विल ऑल्सो गो विथ माई पॉइजन बिकॉज बहुत क्लोज आ रहा है। तो मैं और एक ग्रेवर जाऊंगा गेस आई गेस दिस इज द गेम यस गुड गेम। चलो नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। तो ये मैच पॉइंट था अगर मैं जीता तो मतलब बेसिकली मैं ब्रैकेट जीता। अगर एक्सकैलिबर जीता तो 2-2 होगा। नेक्स्ट मैच जीतेगा वो मतलब विनर ऑफ द ब्रैकेट्स। तो बस लॉग देखा तो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या डेक है। तो मेरा टोमस्टोन बहुत ही हाई है तो इवन इफ यूजेस हिज एबिलिटी गोल्डन नाइट विल नॉट गेट द टावर। आई थिंक आई विल नॉट राइट टाइम टू यूज द एबिलिटी आई थिंक तो आई विल गो विथ माई नो ओके पता नहीं मैं मेरा माइनर यूज क्यों नहीं किया। एंड चलेगा मैं डैमेज ले सकता हूँ ये। एंड फिर से मैंने मिस कर दिया एंड ये फालतू का मे बी नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि अगर गोल्डन आई टावर पर रहता है जस्ट ट्राई टू डिफेंड आई विल नॉट ट्राई टू एक्टिवेट द पिंक टावर। एंड तो लकीली मैं उसका डार्ट गॉब्लिन को कैच किया। अगर उसका माइनर मेरा माइनर को प्रेडिक्ट कर जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है एंड ही वुड हैव डिफेंडेड इट ईजिली। एंड इधर उसका गोल्डन नाइट डैमेज मतलब थोड़ा डैश डैमेज एंड डैमेज डील करेगा। एंड फिर से एक वॉल ब्रेकर टावर पे कनेक्ट होगा तो आई एम फाइन विद दैट। एंड आई थिंक आई विल प्ले माय हाई टोमस्टोन अगेन। दिस टाइम ही विल यूज द पॉइजन। ओके मेरे को पता लगे कि इसके पास पॉइजन है। एंड मैं जल्दी से जल्दी एरस भी कर दूंगा टू मेक श्योर दैट राइट टावर। एंड आई विल मतलब थोड़ा स्लाइटली भी डिफेंड करूंगा ताकि और एक उसको पॉइजन या लॉग यूज करना चाहे तो मैं प्रेशर बिल्ड कर रहा हूँ। एंड आई विल ऑल्सो गो विथ माई इधर मैं मतलब उसको लॉक भी करना था एंड ही मेक दैट गेम ओवर सो गुड गेम। तो दैट वाज इट गाइस एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ। एंड ये रहा क्लैश ये जो ऐप है तो इधर आप आके टूर्नामेंट होगा तो आज 7 को होगा एंड 6:30 को चेक इन होगा तो आप